पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की स्पेशल सेल ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में आज पेश किया है। उनका रिमांड खत्म हो गया, 5 दिन का रिमांड मांगा गया था जो आज खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। जानकारी मिली है कि अब इसमें क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो सकती है, क्राइम ब्रांच भी जो है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है, 5 दिन का रिमांड जो है क्राइम ब्रांच मांग सकता है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई गोलियां मारकर, जिसका मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। पूछताछ में केकड़े का क्या रोल है, यह भी पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारने की सभी गैंगस्टरों के सामने कसम खाई थी। आपको बता दें कि आज उसका रिमांड खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने दिल्ली पटियाला कोर्ट में सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के मामले में मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पटियाला कोर्ट में पेश किया। और अब जो है क्राइम ब्रांच भी इससे पूछताछ कर सकती है, 5 दिन का जो रिमांड है वो क्राइम ब्रांच भी ले सकती है, यानी कि स्पेशल सेल के साथ क्राइम ब्रांच की भी इस मामले में एंट्री हो सकती है। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच में लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया, आज उसका रिमांड खत्म हो गया, लेकिन अब जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच भी पूछताछ कर सकती है और 5 दिनों का जो लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड है वो मांगा जा सकता है।